वेलकम टू बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे दही पूरी या दही बटाटा पूरी जिसको बॉम्बे में कहते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत सारी प्री प्रिपरेशन करके रखी है। इसके लिए हमने ये पूरियां बनानी है। ये पूरियां कैसे बनानी है आपको, 1 किलो मैदा में लगभग 100 ग्राम आपको रवा डालना है और उसका एक जो सख्त आटा कहते हैं ना, टफ डो गूंदना है और गूंद के उसको गीले कपड़े से ढक के लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसकी छोटी छोटी पूरियां बना के इसको फ्राई कर लेना है। रवा इसलिए मिलाते हैं ताकि अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। तो ये पूरी को सख्त आटा भी इसलिए गूंदते हैं ताकि ये क्रिस्प रहे। तो ये हमने पूरियां बना के रखी हैं। इसके अलावा हमने ये धनिया पुदीना की चटनी बनाई है। इसमें क्या किया है हमने, 1 मीडियम मंच धनिया, 1 मीडियम मंच पुदीना, इसके साथ में 4 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक और नमक मिलाकर ये हरी चटनी या धनिया पुदीना की चटनी तैयार कर ली है। और इसके अलावा ये हमने बनाई है इमली की चटनी। ये इमली की चटनी जो होती है, इसमें इमली का पल्प ले आप, उसके साथ में गुड़ मिलाएं, थोड़ा सा सौंठ पाउडर और थोड़ा सा सौंफ पाउडर, ये मिलाकर थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालें इसमें और इसको मिलाकर इसको बॉईल कर लें, अच्छी तरह से पका लें और उसके बाद छान के निकाल लें। तो ये हमने मीठी चटनी जिसको कहते हैं इमली की चटनी, वो भी बना के रखी है। इसके अलावा ये हमारी लाल चटनी है जिसमें लहसुन है, लाल मिर्च है, तो इसको भी हमने मिक्स करके और मिक्सर में पीस लिया है थोड़ा पानी मिला के। तो ये लाल चटनी, ये सब हमने तैयार किया हुआ है। इसके अलावा ये आलू है जिसको उबाल के हमने काट लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दही बटाटा पूरी। तो इसके लिए हमने लिया हुआ है दही। ये दही ले लें और दही में क्या करना है, दही में मिलानी है थोड़ी शक्कर। तो ये लगभग 1/2 चम्मच शक्कर आप दही में डाल दें और इसके साथ ही इसमें डाल लें 1 चुटकी के लगभग नमक और 1 चुटकी ही डाल लें ये काला नमक। और इसके अलावा इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च। और अब क्या करना है, अब इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें आप चाहें तो भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। दही एकदम स्मूथ कर देना है, कोई लंप ना रहे उसमें। ये दही हमारा स्मूथ हो गया है। अब सबसे पहले ये पूरियां लेनी है और पूरियों में इस तरह से ये पूरियों में हमने छेद कर लेना है। अब सबसे पहले ऐड करें इनमें ये आलू जो हमने उबाल के रखे। आलू डालने के बाद पहले डालते हैं हरी चटनी। तो इसमें डाल दें आप हरी चटनी, ये थोड़ी तीखी होती है, तो आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो इसको ज़्यादा डालें, कम तीखा पसंद करते हैं तो कम डालें। और जब इसको बनाएं आप, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं चाट को, तो इसमें मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा दें और कम करते हैं तो कम करें। ये हमने डाल दी इसमें हरी चटनी। और इसके बाद हम डालेंगे ये जो लहसुन और लाल मिर्च की हमने चटनी बनाई हुई थी, इसको लहसुन चटनी कहते हैं, ये डाल दें। और अब हम डालेंगे इसमें मीठी चटनी यानी इमली की चटनी। तो ये इमली की चटनी, बाद इसमें डालें आप ये जो दही हमने तैयार किया हुआ है, मीठा नमकीन दही। के बाद डालना है थोड़ा सा काला नमक, काफी थोड़ा सा। साथ में डालें ये चाट मसाला। इसके बाद ऐड करना है ये जो नायलॉन सेव है या बारीक वाला एकदम सेव होता है, वो डालें इसके ऊपर। अब डाल दें
थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, ये ऑप्शनल है, आप पसंद करते हो तो डालें, नहीं करते तो ना डालें। और थोड़ी सी धनिया पत्ती और फ्रेशनेस देने के लिए और गार्निशिंग के लिए, और फ्लेवर धनिया का बड़ा अच्छा लगता है। तो तैयार है आपकी ये दही बटाटा पूरी, एंजॉय कीजिए। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से, आपके भी मुंह में पानी आएगा जब आप बनाएंगे।